भारतीय जनसेवा पार्टी का पद ग्रहण समारोह कल्याणपुर स्थित कार्यालय में किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज शर्मा ने बताया कि किसानों की समस्या को लेकर किसानों को मजबूत बनाएंगे, देश में हो रहे बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, बेरोजगार युवकों को नौकरी और महिलाओं की सुरक्षा हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा, अन्य पार्टियों से बढ़कर युवाओं का विश्वास जीतना, उनको रोजगार दिलाना हमारा उद्देश्य है। पार्टी के राज्य प्रवक्ता गणेश शंकर चतुर्वेदी, प्रदेश सचिव जितेंद्र वर्मा, प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष कानपुर अजहर आलम खान, जिला उपाध्यक्ष फतेहपुर मयंक कुमार, मीडिया प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह अश्वनी पासवान को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। पार्टी में युवाओं को जोड़कर सबने समाज को उजागर किया है। संवाददाता अरुण की रिपोर्ट। हाँ, पार्टी का एक ही उद्देश्य है, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, जैसे कि मुद्दा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और एजुकेशन को लेकर पार्टी बनी है, इन सारी समस्याओं को समाधान हो पाए और देश तरक्की करे और देश की मजबूती हो और आप सब जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता मजबूती से पार्टी को मजबूती देंगे तो देश की ऑटोमेटिक मजबूती हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार को रोज़गार मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो युवा छात्र छात्राओं को एजुकेशन से वंचित हैं उनको एजुकेशन का हम पूरा कोशिश भरपूर सहयोग करेंगे, ये एजुकेशन जहाँ तक ये चाहते हैं उनको मिलना चाहिए और हमारे किसान के प्रति काफ़ी परेशानी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो खाद को लेकर, डीजल को लेकर, महंगाई को लेकर और उनके जो मतलब हमने और भी कुछ योजनाओं का आयोजन किया है, जैसे कि उनके फसल मुआवजा योजना के तहत जो हम लोग उनके लिए कुछ मुआवजा देना चाहेंगे और उनको एक नई ऊर्जा, नई एक मजबूती देना चाहेंगे, जैसे 1 से 10 लाख रुपए का उनका कर्ज माफ़ कराने की पूरी कोशिश रहेगी और आम जनता के लिए 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने का एक अपना वादा है और बेरोजगार को रोज़गार, कम से कम प्रदेश में 14 लाख नौकरी के पद खाली पड़े हुए हैं, कितनी भी सरकारें बनी लेकिन किसी भी सरकार ने ये नहीं सोचा कि हमारा देश इतनी बेरोजगारी पर टिकाकार पर खड़ा हुआ है, अगर इनको रोज़गार मिल जाए तो शायद देश के अंदर खूब अच्छी मजबूती आ जाती, लेकिन किसी भी पार्टी ने या किसी भी मतलब सरकार ने अभी तक का ये इतिहास रहा है कि बेरोजगार के लिए, भ्रष्टाचार के लिए और युवाओं के लिए, किसानों के लिए किसी के हित में कोई काम नहीं किया है, लेकिन मेन पार्टी का मुद्दा यही है कि जनहित में, जन में सभी हित मतलब और जो जो अपने अधिकार से वंचित हैं एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ें और अपने अपने अधिकार को हासिल करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो योग्यता से हो, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो आपका रोज़गार से हो, चाहे वो अपना मतलब बहुत सी सारी चीज़ें हैं देश में विकास के लिए, जो काफ़ी चीज़ों से जैसे किसी के पास ज़मीन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो हम लोगों का जो उद्देश्य है वो ज़्यादा नहीं तो 50 गज का एक घर उनके लिए निस्वार्थ, जैसे बहुत बहुत बड़ी बातें हुई, तमाम सरकारों ने बड़ी बड़ी बातें की कि हम ये फ्लैट देंगे, ये योजना में देंगे, उस योजना में देंगे, लेकिन किसी को आज तक कोई सही से कोई घर नहीं मिल पाया, लेकिन पार्टी का ये उद्देश्य है जब भी ये सरकार बनाएगी और जब भी सरकार बनती है तो वो ये समझ लीजिए पार्टी की सरकार नहीं, ये जनता की सरकार होगी और जनता के लिए सरकार बनेगी, जनता के हित में काम करेगी, जो भी काम करेगी जनता के हित में करेगी, कोई पार्टी का ऐसा उद्देश्य नहीं है जैसे और अन्य पार्टियों ने किया है, वो अन्य पार्टियों जैसा इस पार्टी का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, जो भी उद्देश्य है वो जनहित में है और जनहित में रहेगा, यही पार्टी का उद्देश्य है। धन्यवाद। हाथरस की घटना के विषय में जो भी हुआ, जैसे कि हमने एक मुद्दा का बहुत जोर शोर में अपनी पार्टी के बीच में रखा था कि बहन बेटियों पे अत्याचार, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार, इन जैसी गंभीर घटनाओं का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा करने के लिए पार्टी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे पे पार्टी काम भी कर रही है, लेकिन अभी पूरी सत्ता भी नहीं है और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन